नमस्कार स्टूडेंट, नमस्कार, कैसे हो? आज की वीडियो में मैं बहुत ही बेहतर सवाल आपको बताने वाला हूँ। यकीन मानिए, ऐसा सवाल आपने बहुत कम बार देखा होगा और ऐसे सवाल भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यह कोई बाहरी सवाल नहीं है, ये आपके सिलेबस का ही सवाल है जो परीक्षा में आपसे बनता नहीं है, जो आपसे बहुत टाइम ले लेता है, जो आपका टाइम खाकर आपके एग्ज़ाम को ख़राब कर देता है। तो ऐसे सवालों से सामना करने के लिए आज ही आप तैयार हो जाइए और अभी ही तैयार हो जाइए। लेकिन शुरुआत करने से पहले यार, जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाली बटन दबा लें, जब तक ज़रूरत हो तब तक मेरे साथ बने रहें, उसके बाद भी आप बने रहें तो मेहरबानी होगी। चलिए सवाल देखते हैं। सवाल कहता है, यदि साइन अल्फा कास बीटा प्लस कास अल्फा साइन बीटा बराबर करड़ी में 3/2, मतलब इन्होंने एक कंडीशन दिया हुआ है, साइन अल्फा कास बीटा प्लस कास अल्फा साइन बीटा बराबर करड़ी में 3/2। ये चीज़ देने का मतलब है, ये तो फार्मूला खोल के इन्होंने दिया हुआ है, तो ये सूत्र बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर करड़ी में 3/2। इतना लिख कर थोड़ा हम शांत हो जाते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है। फिर कह रहा तथा कास अल्फा कास बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा बराबर 0। एक चीज़ और इन्होंने लिखा, कास अल्फा कास बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा बराबर इन्होंने 0 दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहे हैं कि अल्फा का मान -90 से छोटा है या बराबर है, फिर बीटा का मान 90 से बड़ा है या बराबर है, ऐसा मान के आपको सवाल सॉल्व करना है। और उसके बाद करना है कि टेन अल्फा माइनस टेन बीटा का मान क्या है। बेटा इसका वैल्यू निकालना है, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा का, इसी का मान निकालना है। तो हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये साइन कितने का वैल्यू है, ये तो साइन 60 का वैल्यू है, 60 का वैल्यू है ना, तो ले लिया जाए अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 हो गया। फिर इधर वाला सूत्र बनेगा किसका, कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी कास ए माइनस बी, यानी कास अल्फा माइनस बीटा बराबर, ये कास कितने का वैल्यू है, ये कास 90 का वैल्यू है, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर हो गया 90। अब हम इसको अगर समीकरण एक इसको समीकरण दो मान करके जोड़ते हैं, समीकरण एक प्लस समीकरण दो से, तो क्या होगा, अल्फा में अल्फा जोड़ेंगे तो 2 अल्फा माइनस बीटा कट जाएगा, बराबर 60 और 90 हो जाएगा 150, ठीक है। 2 से 150 काटेंगे तो 75 आएगा, यानी अल्फा बराबर 75 डिग्री आ चुका है। अल्फा बराबर कितना आ चुका है, 75। तो बीटा का मान क्या होगा, यहाँ पे 75 रख दो, 75 जब रखोगे तो 60 में से 75 घटेगा, दाहिने पक्ष में जाएगा जब 75 तो -75 होगा, 60 में से 75 घटेगा तो -15, यानी बीटा का मान आ गया -15, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अल्फा का मान 75 और बीटा का मान -15 आ चुका है, तो इसके आगे कैसे हल करेंगे ये बात आपको देखना है। तो देखो टेन अल्फा मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, टेन अल्फा की जगह पर रख देंगे अल्फा का वैल्यू 75 माइनस टेन बीटा, बीटा का वैल्यू रखेंगे -15, यानी टेन -15। तो इसको हम और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि ये जो माइनस का 15 है चेंज हो जाए, तो तरीका ये है, टेन 75 रहने दो, टेन कितना लिख सकते हैं -15 आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं टेन 90 -75, 90 में से 75 मैं घटाऊं तो 15 आएगा। बोलिए ये सुनिए, इस माइनस को बाहर निकाल लीजिए, हो जाएगा +10 15, चलिए ठीक है। अब टेन 75 और टेन 15 का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, टेन 75 का वैल्यू याद है आपको होता है 2 - 3, और टेन 15 का वैल्यू कितना होता है, टेन 15 का वैल्यू निकालना है, टेन 15 को चेंज कर दीजिए काट 75 में, इसको लिख सकते हैं टेन 90 - 75 हो जाएगा काट 75, तो 2 - 3 प्लस टेन 90 - 75 को लिख सकते हैं काट 75, तो बराबर 2 - 3 प्लस काट 75 का मान होता है 2 + 3, -3 + 3 कट गया, 2 और 2 हो गया 4, तो 2 और 2 हो गया हमारा 4,
शायद यही इसका आंसर होगा, देखते हैं। विकल्प विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है 4, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये तो रहा विस्तार से, लेकिन इसका शॉर्टकट बनाने के लिए आप इसी सवाल को 2 बार 3 बार जब प्रैक्टिस करोगे तो इस लाइन को डायरेक्ट आप ये लिख दोगे, इस लाइन को डायरेक्ट आप ये लिख दोगे, जोड़ने घटाने पर अल्फा बीटा का मान निकाल लोगे और यहाँ पुट करोगे। 10 75 और 10 15 का मान अगर आपको पहले से याद है तो आप तुरंत 4 पा जाएंगे। कहने का मतलब 3 3 लाइनें यहाँ 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 मैंने फालतू लिखा है, आप चाहें तो इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक व बिहार पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम को 100% गारंटी के साथ पास करना, तो आप हमारा पेड क्लास ले सकते हैं। पेड क्लास में मैं आपको क्या क्या दूंगा जरा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। यदि आप हमारा पेड क्लास लेते हैं तो पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट 50 चैप्टर मैथ का वीडियो आपको मिलेगा और 24 चैप्टर फिजिक्स का वीडियो मिलेगा और 24 चैप्टर केमिस्ट्री का वीडियो मिलेगा। 50 चैप्टर लगभग है मैथ में, इतना बड़ा सिलेबस है इंट्रेंस एग्जाम का, और 24 फिजिक्स का, 24 केमिस्ट्री का। इसके अलावा साथ में आपको 5000 क्वेश्चन का PDF मिलेगा प्लस 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको। इतना सारा मटेरियल, इतना सारा सिलेबस कोर्स पढ़ने के लिए आप जाओगे किसी भी कोचिंग में, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, बनारस, कानपुर, कहीं भी कोई भी कोचिंग वाला आपसे 5000 6000 से कम नहीं लेगा। कुछ लोग तो 10 10 हज़ार भी लेते हैं इलाहाबाद वाले। ठीक है, तो इतना ही चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, एक ही बार पढ़ाएंगे, 5000 ले लेंगे। वही चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे, आपकी मदद करेंगे, आपका हेल्प करेंगे, मात्र 500 रुपये में वही चीज़ आपको देंगे। अब कोई कह रहा कि भाई अभी तो पैसा ले रहे हो, पैसा लेना नहीं है, ये आपकी हेल्प करना है। कैसे, अब बताओ, 5000 वाली चीज़ अगर आपको 500 में दें, आपका 4500 लाभ करवाएं, तो ये आपकी मदद नहीं है तो क्या है? हम भी तो टीचर हैं, हमें भी तो थोड़ी बहुत रोजी रोटी करनी है। इस नाते बेटा ये सब झंझट छोड़ो, आप सीधे हमारा पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास लेने के लिए 75 25 81 80 38 पर पॉली लिख करके व्हाट्सअप करिएगा। 75 25 81 80 38 पर पॉली लिख के व्हाट्सअप करिएगा, आपको इधर से मैसेज जाएगा, उसमें डेमो वीडियो रहेगा। डेमो यदि आपको पसंद आता है तो उसी मैसेज में अकाउंट नंबर रहेगा, उसी अकाउंट में ये 500 रुपया आप पेड करके किसी भी दुकान वाले से पेड कराएं, चाहे खुद पेड करें, स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपके व्हाट्सएप पर क्लास शुरू कर दिया जाएगा। धन्यवाद। अगला सवाल तो बहुत ही बच्चा है, लेकिन ये बच्चा बहुत सयाने सयाने लोगों को छक्का छुड़ा देगा। क्यों? क्योंकि सवाल में कहा गया है टैन 54 डिग्री को 4 विकल्पों में से किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा टैन 54 को आप सबसे पहले 10 45 + 9 लिख लीजिए, 10a + b का फार्मूला बन गया, 10a + 10b बटे 1 - 10a × 10b। ये तो आप समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं ना भाई। अब देखिए आगे, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, तो हो जाएगा 1 + 10 9 1 + 10 9 1 - इसका तो 1 हो जाएगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही रहेगा। अगर विकल्प में ये दिया होगा तो इसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन विकल्प में ये चीज़ नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम इसको साका, इसको भी साका में बदल देंगे। साका क्या होता है बताता हूँ, 10 मतलब साइन बटे कास, तो साइन का सा, आकाश का, तो सा और का इस तरह से हम इसको बोलते हैं। तो 1 + 10 को लिखेंगे साइन बटे कास, साइन 9 बटे cos 9, 1 - ऐसे ही साइन 9 बटे cos 9। ठीक है, अब कास का यहाँ गुणा, कास का यहाँ गुणा, तो cos 9 + sin 9 बटे cos 9। ठीक है, और नीचे cos 9 degree - sin 9 degree बटे cos 9, तो cos 9 कट जाएगा, क्या बचेगा, cos 9 + sin 9 cos 9 + sin 9 बटे cos 9 - sin 9। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए, ऐसा विकल्प में दिया है, सही है ना। मैं देखता हूँ कौन सा विकल्प है, cos 9 + sin 9 बटे cos 9 - sin 9, ऑप्शन नंबर सी वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल तो बहुत ज़्यादा आसान है, शायद आप इसका आंसर भी जानते होंगे। क्या लिखा है, लिखा है 1 - 10a बटे 1 + 10a।
ये किसका मान है, इसका मान क्या है। तो कुछ नहीं करना, देखिए वन की जगह लिख देना है टेन पैंतालीस माइनस टेन ए, इसको ऐसे रहने देंगे वन प्लस, यहाँ टेन के बगल में इंटू वन लिख सकते हैं और इस वन की जगह पर लिख सकते हैं टेन पैंतालीस इंटू टेन ए। अब ज़रा गौर से देखिए टेन ए माइनस टेन बी बटे वन प्लस टेन ए टेन बी, ये तो फार्मूला बन गया। किसका, टेन ए माइनस बी का, ये फार्मूला बन गया टेन ए माइनस बी का, यानी पैंतालीस माइनस ए का ये फार्मूला बन गया। तो ये जिस विकल्प में है वही विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल तो वास्तव में लाजवाब है, इसका कोई जवाब नहीं है। क्यों, क्योंकि ये देखो साइन ए साइन बी कास ए कास बी, मतलब सूत्र ये खोल के दिए हैं लेकिन खोले हुए सूत्र को आगे पीछे करके थोड़ा सा लफड़ा कर दिए हैं। तो आप जब सूत्र याद कर लिए हो, सूत्र जानते हो, तो लफड़ा आप फरिया लोगे ना, कोई भी लफड़ा रहेगा आप उसको अच्छे से निपटा लेंगे। देखो कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, ऐसे समझो ए मतलब पैंतालीस बी मतलब एक सौ पाँच, तो कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, ये सूत्र होता है कास ए माइनस बी का। तो हम 105 को भी ए मान लेंगे, 105 माइनस पैंतालीस का समझिए, ठीक है। देखो कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, ऐसे लिख दिया है, मतलब क्रम विनिमय कर दिया फालतू में। आ नीचे कास 75 का मान याद है, कास 75 का मान हम शुरू में कह रहे हैं कि भाई याद कर लो, रट लो, कास 75 साइन 75, कास 75 का मान, ओहो ये साइन 75 है, मैंने लिखने में गलत किया थोड़ा सा, ये साइन 75 है बेटा, साइन 75 और प्लस कास 75। तो साइन 75 का मान याद है क्या होता, करड़ी में तीन प्लस एक बटे दो करड़ी में दो, और प्लस कास 75 का मान भी यही होता है, परंतु यहाँ माइनस चिन्ह हो जाता है, करड़ी में तीन माइनस एक बटे दो करड़ी में दो। ज़रा ऊपर वाला 105 में से 45 घटा देंगे तो बचेगा कास 60, और नीचे इसका हर और इसका हर दोनों का बराबर है, तो सीधे ऊपर वाला में ऊपर वाला जोड़ लेंगे। तो जब ऊपर ऊपर जोड़ेंगे तो प्लस वन माइनस वन कट जाएगा, कौड़ी में तीन कौड़ी में तीन हो जाएगा दो कौड़ी में तीन, और नीचे आपने लघुत्तम लिया है दो कौड़ी में दो, ठीक है। अब देखो दो से दो फिर कट गया, और ये वाला पलट के ऊपर जाएगा, लेकिन ले जाओ ऊपर ले जाओ, कौड़ी में दो को ऊपर ले जाएंगे हो जाएगा कौड़ी में दो कास 60, अब बटे में नीचे कड़ी में तीन रह जाएगा। अब कड़ी में दो गुड़े का 60 का मान एक बटा दो होता है, अहोल अपान कड़ी में तीन, ठीक है। तो कड़ी में दो एक करने कड़ी में दो बटे दो, इसका गुड़ा यहाँ हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा कड़ी में दो बटे दो कड़ी में तीन। और इस वाले दो को चाहो अगर तो आप क्या लिख सकते हो, कड़ी में दो गुड़े कड़ी में दो, दो बार कड़ी में दो बटे कड़ी में दो गुड़े कड़ी में दो गुड़े कड़ी में तीन। अब ये सोचिए इस दो की जगह पर ये दो बार कड़ी में दो मैंने लिख दिया, ऊपर वाले से काटने के लिए लिखा हूँ, आप जान रहे होंगे, आपको पता चल गया होगा कहाँ लिखे हैं गुरुजी, तो कट गया। तो ऊपर बचा एक, नीचे कड़ी में दो गुड़े कड़ी में तीन, दो तीन छः, यानी एक बटा कड़ी में छः, ये होगा इसका आंसर। अजर मैं विकल्प में ढूंढूं जरा, ये मिलता है क्या, कहीं मिल गया ऑप्शन नंबर सी में, वेरी गुड। आगे बढ़ता हूँ, अब की बार वाला सवाल बहुत बढ़िया है, उल्टा देने से क्या कुछ हो पाएगा ना, हम लोग समझदार हैं, आप लोग समझदार हैं, सूत्र वगैरह आपको आता है तो ऐसे लोग आते जाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 26 सेक 64, सेक 64 को ऊपर ले जाओगे तो कास 64, सेक 64 नीचे से ऊपर जाएगा तो कास 64, तो साइन 26 कास 64 प्लस कास 26 ऊपर है रहने दो, और कोसेक 64 ऊपर जाएगा तो साइन 64 होगा, ठीक है, बराबर ए। अब देखो साइन ए कास बी प्लस कास से साइन बी, याद आ गया, याद आया सूत्र, साइन ए कास बी प्लस कास से साइन बी, साइन ए प्लस बी हो गया, मतलब साइन 26 प्लस 64 हो गया बराबर इस्माल ए। बेटा साइन ए प्लस बी मतलब 64 26 जोड़ देना एक के में, छः चार दस, छः दो आठ नौ, यानी साइन 90 हो गया, साइन 90 बराबर इस्माल ए, और साइन 90 का मान पूरी दुनिया जानती है।
साइन 90 का मान पूरी दुनिया जानती है कितना होता है, 1 होता है। तो स्मॉल ए इक्वल टू आ गया 1, ए इक्वल टू क्या आ गया 1। तो बस ऐसा ही सवाल, ऐसा ही जवाब आप हमेशा पाएंगे हमारे चैनल पर। इस नाते इस चैनल को हमेशा हमेशा अपने मोबाइल से जोड़ के रखिए, अपने एजुकेशन से जोड़ के रखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट ये तीनों काम जरूर कीजिए। थैंक यू।